दोस्तों यूं तो बॉलीवुड में एक सुपरस्टार का दर्जा पाने के लिए हर एक्टर को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने गुमनामी के अंधेरे में रहकर कई दिनों तक दूसरे एक्टर्स के फिल्मी गानों में बैकग्राउंड डांस किया है। नंबर 5, स्मृति ईरानी। छोटे पर्दे पर एक परफेक्ट बहू का रोल करने वाली स्मृति ईरानी भले ही आज एक राजनेता बन चुकी हैं, लेकिन उनके फैंस हमेशा उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी के रूप में ही याद रखेंगे। अपने स्ट्रगलिंग डेज में स्मृति एक मामूली सी मॉडल हुआ करती थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्मृति ईरानी टीवी पर दिखाई देने से पहले मीका के साथ सावन में लग गई आग नामक म्यूजिक एल्बम के एक गाने बोलिया में भी डांस करती नजर आ चुकी हैं। नंबर 4, रेमो डिसूजा। आज की तारीख में बॉलीवुड के सबसे मशहूर कोरियोग्राफर में से एक हैं रेमो डिसूजा। इन्होंने भी अपना करियर एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में किया था। इनका फिल्म परदेश में शाहरुख के साथ, अफलातून में अक्षय के साथ और फिल्म मीनाक्षी में कुणाल कपूर के साथ डांस करते हुए देख सकते हैं। ये वो दिन थे जब रेमो को बॉलीवुड में कोई नहीं जानता था। रेमो ने कई सालों की मेहनत के बाद फिल्म दिल पर मत ले यार से अपना करियर एज ए लीड कोरियोग्राफर शुरू किया। अब रेमो छोटे पर्दे पर कई डांस शोज जज करते हैं और एक सफल फिल्म डायरेक्टर भी बन चुके हैं। नंबर 3, दिया मिर्जा। अपने शुरुआती दिनों में दिया मिर्जा एक बैकग्राउंड मॉडल हुआ करती थी, जो कि पहली बार फिल्मी पर्दे पर 1999 में एक कन्नड़ फिल्म में नजर आई। दरअसल यहीं से दिया का मॉडलिंग करियर शुरू हुआ था। इसी फिल्म को करने के बाद उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और सेकंड रनर अप रही। मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने से वे कई फिल्म निर्माताओं की नजर में आ चुकी थीं। फिर फाइनली दिया ने रहना है तेरे दिल में फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। नंबर 2, डेजी शाह। डेजी की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। डेजी ने कई सालों तक फिल्मों में एज ए बैकग्राउंड डांसर का काम किया, फिर एक दिन सलमान भाई की इन पर नजर पड़ गई और इनका बंटाधार हो गया। भाई ने इनको अपनी फिल्म जय हो में मुख्य अभिनेत्री का किरदार दे दिया और इसी फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। बता दें कि इससे पहले डेजी कई पॉपुलर फिल्मी गानों में देखी जा चुकी है, जैसे कि तेरे नाम, मस्ती और हमको दीवाना कर गए। नंबर 1, सरोज खान। सरोज खान जैसी कोरियोग्राफर शायद ही बॉलीवुड को दोबारा मिल पाए, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड में 2000 से भी ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार सरोज खान 1958 के मशहूर गाने आइए मेहरबान में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने एक लड़के का रोल किया था।